गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम एस्टरडेज टॉपिक कॉइन सुकिंग. सो एस्टरडे वी सीन अबाउट कॉइन सुकिंग. सो कॉइन्स विच इज मेड अप बाय गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड सो ऑन एंड कॉइन्स इन ऑल्सो टेल अस अबाउट द ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम. ओके आर एक्सचेंजिंग सिस्टम. So, coins again showing about what political and economical system of particular time periods. Okay. So, such as coins, for example, coins of Samudra Gupta. Okay. Samudra Gupta time period. Okay. तो समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि बहुत सारे जो कॉइन्स जो मीट किया था है ना, जो कॉइन्स जो बनवाए थे उसमें क्या किया था उसने कि जैसे ही डिपिक्टेड पिक्चर ऑन प्लेइंग विद वीना एंड अगेन व्हाट टू हंटर द एनिमल्स. ओके एंड समवेयर इज व्हाट फाइटिंग विद द अनदर वन पर्सन मीन स्किलफुल वैरियर. So, coins of the Samudragupta time periods tells us he is a very much able and what intellectual one person of particular time periods. So, coins tell us about the history of particular person, particular kingdoms, you know, just like Maurya and Gupta periods and so on. Okay. So next is a historical artifacts. Okay. Coins की बात में क्या चीजें क्या है historical artifacts. Historical artifacts. Historical artifacts. So historical artifacts means objects which is made by the human for their use. Okay, है ना? अने उस टाइम में इंसानों ने क्या किया था कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे अपनी यूज के लिए, such as tools and pots. Okay, है ना? Tools और pots. अब tools and pots में देखेंगे आप जैसे tools है ना, कोई उसमें टूल किट होती है ना कि अलग अलग क्या होते हैं टूल्स होते हैं. सो उस टाइम में भी क्या किया था कि उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स बनाए थे है ना, कि जैसे एक्स हो गया. ओके एक्स हो गया, क्लाइफ हो गया है ना, किचन वेयर में यूज करने के लिए है ना. फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे उसको, स्पीयर यानी भाला वगैरह है ना. तो एक इस तरीके से उन्होंने दे हर यूज फॉर देयर इजीनेस. ओके so they include some tools, weapons, cloths and many other similar items. Okay, which is known as a human artifacts. So human artifacts also show us the their history. Okay, next one is, so this is about the archaeological sources. Okay, so अब देखेंगे अपन कि literary source में क्या है ना, कि literary source में क्या है. literary, the name suggesting that literary है ना, related with the literature. Okay, है ना, literature are related with writing and how these are evolved with the time periods. Okay. अब देखो जैसे ये वाला साइन किसका है, विक्ट्री का साइन है. ये वाला साइन किसका है, स्लीपिंग का है ना. अगर किसी के ऊपर एंगर शो करना है तो क्या करते हैं अपन कि ऐसी आंखें बड़ी बड़ी करते हैं है ना. अगर किसी को स्माइल करना है तो हाँ ऐसे स्माइल करते हैं ना. सो दीज आर द जेस्टर एंड साइन. ओके, या फिर किसी के ऊपर अगर गुस्सा निकालना है तो क्या करते हैं, इस टाइप से करते हैं ना. सो दीज आर द जेस्टर्स एंड साइन. ओके, सो
ग्रेजुअली दीज आर इवॉल्व्ड. ओके, अब जैसे धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्वेंशन ऑफ द स्क्रिप्ट चालू होना ने हुआ है ना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राइटिंग प्रैक्टिस आई डेवलप होती गई है ना. सो स्क्रिप्ट इज ऑल्सो डेवलप, पहले तो साइन था, जेस्चर था, फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस आया है ना. सो इन दिस वे अब क्या हुआ कि बड़े बड़े फिर जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी बड़े बड़े जो ये हुआ था है ना, तो इसमें भी क्या है कि लिटरेरी सोर्स में एक है रिलीजियस, वन इज द रिलीजियस एंड अनदर वन इज द सेक्युलर. ओके, रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट है ना, रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट. अब रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट में देखो, अब रिलीजियस मीन्स रिलेटेड विद द पर्टिकुलर रिलीजन आर जस्ट ओनली शोइंग द प्रैक्टिसिंग ओनली द रिलीजियस ट्रेडिशन पर्टिकुलर कम्युनिटी वाइज. ओके, सो अब इसमें क्या थे बड़े बड़े जैसे रिलीजियस में वेद थे है ना, उपनिषद है ना, वेद आ गया, उपनिषद, उसके बाद में है एपिक्स जो था रामायण है ना, लास्ट टू लास्ट लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया लोगों ने. ओके, उसके बाद में महाभारत है ना, महाभारत. सो दीज आर व्हाट द रिलीजियस टेक्स्ट एंड दीज आर टेलिंग अस हिस्ट्री अबाउट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, अब सेक्युलर लिटरेचर में क्या इंक्लूड था है ना, सो सेक्युलर लिटरेचर इज शोइंग अस द सोशल एंड पॉलिटिकल. ओके, अब सेक्युलर लिटरेचर में है जो सेक्युलर लिटरेचर है ना, सेक्युलर लिटरेचर. ओके, इसमें क्या था कि देयर इज व्हाट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लाइफ. ओके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स. ओके, एंड हाउ द लीव्स सॉरी हाउ द किंग्स आर लिविंग एंड पीपल्स आर लिविंग एट दैट टाइम. ओके, सो सम ऑफ अगेन व्हाट सम फॉरेनर्स आर विजिटिंग एंड देयर आल्सो फॉरेनर्स आल्सो राइटिंग अबाउट दैट. ओके, सो वन ऑफ द फेमस वन इज द अर्थशास्त्र. ओके, अर्थशास्त्र. सो अर्थशास्त्र में क्या था कि कंप्लीटली पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर किंग. ओके है ना, सो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र अर्थ शास्त्र विच इज रिटन बाय कौटिल्य. ओके, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था. ओके, एंड मेगास्थेनिस है ना, वन ऑफ दैट मेगास्थेनिस, मेगास्थेनिस दैट इज ही इट इज रिटन बाय इंडिका. ओके है ना, इसने क्या इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थेनिस ने लिखा हुआ था. ओके, एंड अगेन व्हाट बहुत सारे ऐसे जो ये थे राइटर्स थे, बाणभट्ट हो गया. ओके, उसके बाद में है कालिदास ने क्या किया था कि बहुत सारे पोएम्स लिखा था है ना. सो ये सब चीजें क्या करती कि दे आर शोइंग अस हिस्ट्री, हिस्ट्री टू अस. ओके, नेक्स्ट वन इज ओरल हिस्ट्री. ओके, अब ओरल हिस्ट्री, अब देखो कि आपने बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुनी होंगी आपके पेरेंट्स से है ना, अब उन आपके पेरेंट्स को भी या ओल्डर एल्डर पर्सन को किसने बताया होगा, उनके और पेरेंट्स ने बताया होगा वो सब एक हिस्ट्री के बारे में है ना. तो धीरे धीरे क्या किया गया कि वो जो हिस्ट्री है ना, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते गए कि वो आती गई है ना, इट इज फाउंडेड बाय द ओरली. ओके, सो जैसे कि वी आर व्हाट स्टडिंग इन मराठी एंड हिंदी है ना, अभंग अभंग है ना, फिर उसके बाद में पोवाड़ा जो होता है मराठी में है ना, जो दैट इज टेलिंग अबाउट शिवाजी महाराज अचीवमेंट. ओके, एंड अभंग भारूड ओवी है ना, तो
ये सब क्या है कि दे प्रोवाइडिंग अस ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री ओके एंड सम ऑफ द सॉन्ग्स है ना, अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग फोक डांसेस जो होते हैं ना, जो क्लासिकल डांसेस है, जैसे अपना बिहू है, यक्षगान है ना, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, सो दीज आर अगेन नॉट द फोक मटेरियल, आर ओरल मटेरियल विच इज अवेलेबल बाय ओरली ओके, इट इज नॉट रिटन ऑन द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एंड सो ऑन ओके, एंड दिस वन इज कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन जनरेशन, सो दिस इज अबाउट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ओके, सो है ना, रिकॉल कर लेते कि अपने क्या क्या देखा था इसमें भी सर, सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, वन इज द आर्कियोलॉजिकल एंड अनदर वन इज लिटररी ओके, सो आर्कियोलॉजिकल में देखा था अपने मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग, उसके बाद में देखा था इंस्क्रिप्शन ना इंस्क्रिप्शंस, उसके बाद देखा था कॉइन्स, उसके बाद ह्यूमन आर्टिफैक्ट ओके, उसके बाद लिटरेरी सोर्स में क्या दिखा था अपने की रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्युलर है ना, फिर इसमें रिलीजियस में दिखा था अपने की अलग अलग जो ये थे इपिक्स जो थे है ना, वेद उपनिषद पुराण है ना, उसके बाद में सेक्युलर में क्या दिखा था कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल में जैसे अर्थशास्त्र एंड अनदर वन सोर्स इज ओरल सोर्स ओके, इट मींस भजन है ना, पोयम है ना एंड स्टोरीज, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट when, where and how, so we are studying about sources of history, what is history and so on okay, so here is complete your lesson, next lesson will be start tomorrow okay, bye.